आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे हो दोस्तों, और आपका मैं स्वागत करती हूँ दिल से अपने चैनल पर, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग का इंतजार करती हूँ कमेंट का, कि आप लोग अच्छा या बुरा कुछ भी कैसा भी कमेंट करें, मैं हमेशा आपकी कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ। नया चैनल है इसलिए नहीं, मैं वैसे भी हमेशा मतलब मैं टाइम निकाल के ये चीज़ ज़रूर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप मतलब कैसा वीडियो पसंद करना चाहते हैं, इसलिए मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि हाँ लखनऊ में और बहुत सारी जगह ऐसा तो होता है, क्योंकि मेडिसिन मैं हर जगह लेती हूँ, पर अभी मैं सिर्फ मेरे दो ही मेडिकल हैं जहाँ से मैं लेती हूँ, कि वहाँ से मुझे सही दवाई मिलती है। आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा फ़र्क, कितना ज़्यादा मतलब कैसी कैसी दवाइयाँ चलने लगी, कितनी डुप्लीकेट दवाइयाँ चलने लगी, वो क्या फ़र्क, कैसा मुझ पे कैसा फ़र्क पड़ा उसका, मैंने खुद यूज किया, आपको दिखाऊंगी भी नहीं चल के। और सेम टू सेम वैसा ही होगा सब कुछ, पर इतना मतलब पैसा, उसका कलर, नाम सब कुछ वैसा ही होगा, पर इतना मुझे, मैं उसकी वजह से कम मुझे 20 दिन लगातार मेरे बुखार रहा उसी की वजह से। अगर मैंने सही दवाई ली होती तो मुझे इतना इतना ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। आपको दिखाती हूँ वो कैसी है। दोस्तों मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि मैं छत पे थी, ब्लॉग बना रही थी, और ये है बिट्टू। आप ही दिखाती हूँ, बाहर ही ला के दिखाती हूँ आप लोगों को, दोनों एक जैसी हैं, सेम टू सेम। ये टेबलेट्स मैंने कहाँ से, हाँ रजाकपुर से लेके आए थे, और ये है यहाँ लखनऊ की, ये लखनऊ की मेडिकल स्टोर से मैंने, यहाँ पास मोहल्ले, अपने मोहल्ले के पास से मैंने ये टेबलेट्स ली थी, और ये जो है मैंने रजाकपुर से लिया था। आप लोग को अच्छे से दिखाया, देखिए दोनों एक जैसी है ना, एकदम एक जैसी है, और नाम नहीं रही है, डोलो 650 ये, और डोलो 650 ये भी डोलो, ये भी डोलो। फ़र्क क्या है इसमें, ये फ़र्क है कि इसको खाओ तो बस एक घंटे के लिए बुखार जो है ना, फीवर कम पड़ जाता है, और इसको मैं आधी खाती थी, और फिर एक दिन बुखार मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, और मैंने इसको मात्र 5 दिन खाया, बुखार मेरे ख़त्म। और ये जो है ये फेकू दवाई, डुप्लीकेट, इसलिए मैं तो यहाँ से लेना बंद कर दिया है, मैं तो वहीं से लेती हूँ, वहीं से मैं मम्मी की दवाई लेने गया था तभी वहीं से लिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह लेने वाली नहीं रहती, यही मैं दिखा। इसकी वजह से मुझे कम एक हाँ 15 से 20 दिन तक लगातार बुखार रहा फेकू दवाई की वजह से। प्लीज़ आप लोग ना, इसीलिए आप लोग को मैं बता रही हूँ, हर जगह से दवाई लेने वाली नहीं, और आप लोग लीजिएगा भी नहीं, हम तो झेल रहे हैं इतने दिनों से सिर्फ इसी की वजह से। इसलिए दो टेबलेट्स मैंने ज़्यादा नहीं लाई थी, कुछ थे 5-6 टेबलेट्स थे, उसके बाद मैंने लेके लिया ही नहीं, और ये तब से पड़ी मैंने खाई नहीं, और जब से मम्मी की दवाई खाई, मम्मी की मतलब उनके भी डोलो थी, वही मैंने खाया, फ़ायदा हो फिर मैं वहीं से लेके आती हूँ। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, हर जगह से मत लीजिए, जहाँ पे या तो डॉक्टर जब लिखते हैं वो दवाई है वहीं से लीजिए, या फिर जहाँ पे आपको दवाई सही मिलती वहीं लीजिए, क्योंकि हर जगह ऐसे फेकू मेडिकल स्टोर बहुत हैं। यही मैं आपको बताने के लिए इस ब्लॉग में मैं यही बता रही थी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे 20-25 दिन तक समझ लीजिए हाँ लगातार थोड़ा थोड़ा रहा, वरना 20-22 दिन जरूर मुझे बुखार रहा, हाँ तो उससे ज़्यादा दिन, पर मैं 20 दिन में ठीक हो गई थी। ये आप लोग सावधान रहिए, और ये ब्लॉग ज़रा से भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और शॉर्ट वीडियो में आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बाय बाय दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा घर का काम बहुत सारा पड़ा है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, लव यू, धन्यवाद। और अगर आपको ज़रा से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर आपको चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।